नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई विगेस्ट क्लासेस में। फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम को लेकर के दोस्तों संदेह गहराता ही जा रहा है कि सर दिसंबर में बोल रहे थे आप एग्जाम हो जाएगा, लेकिन दिसंबर की आज 15-16 तारीख तो हो गई, अभी तक ना कोई अपडेट है, ना कोई सूचना है और ना लगता है कि एग्जाम हो पाएगा, है ना। काफ़ी सारी बातें पीछे के समय में हमने की और लाइव क्लास में भी ज़्यादातर चीज़ें हम करते रहते हैं, लेकिन सवाल आपका एक ख़त्म कभी होता नहीं कि सर एग्ज़ाम कब होगा, एग्जाम डेट बताइए, सर एग्ज़ाम डेट बताइए, उससे पहले हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। जेई का एग्ज़ाम 19 तारीख को होने वाला है। फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा थी हो सकती थी वो तो जेई वाले ले गए। अरे सर आपने साथ नहीं दिया 8 तारीख को, जो 8 दिसंबर को धरना होने वाला था, वरना सर डेट तो हम लेके आ जाते। ऐसा भी कई सारे दोस्तों का मानना है कि सर जो 8 दिसंबर वाला धरना था वो आप पोस्टपोन कर दिए, वरना एग्जाम डेट तो आ जाती, ठीक है ना। तो एक बहुत छोटी बात दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी सारी बातें हमें इसमें करनी है, तो एक बात आप ये समझ के चलिए दोस्तों, इसमें 6.25 लाख लड़कों ने लगभग आवेदन किया है, ठीक है ना। अब वो 6.25 लाख लड़के कहाँ हैं ये पता करना बाकी है। वीडियोज पे कितने व्यूज आते हैं, 150 लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड वीडियो अगर फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित कोई न्यूज है तो कितने व्यूज आते हैं, 7 से 8 हज़ार, है ना। मतलब 6 से 7 लाख लोगों की संख्या में सक्रिय कितने हैं, मोटे मोटे 5 से 6 हज़ार बच्चे। अब 5 से 6 हज़ार बच्चे सिर्फ ये सक्रिय हैं, वो ये जानने के लिए वीडियो पे आते हैं कि इस आदमी ने इस वीडियो में कहीं कोई एग्जाम डेट को लेकर के तो कोई बात नहीं बताई, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं है। धरना दो, ट्यूटर करो आप, हमें सर इस बात से मतलब नहीं, ना हमको आपकी क्लास में आगे पढ़ना है, ना हमें आपके साथ ट्यूटर पे जाना है, ना हमें आपके साथ धरने में शामिल होना है। शामिल होने वाले, पढ़ने वाले, बस हमारे पास 400 से 500 बच्चे ऐसे हैं जो धरना देने के लिए भी तैयार रहते हैं, ट्यूटर करने के लिए भी तैयार रहते हैं और पढ़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। बाकी लोग अपना दूसरा विकल्प शायद खोज लिए हैं, यूपी पुलिस का रास्ता है उनके पास, ग्रुप डी में जाने का रास्ता है, है ना, और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जहां पे जाने का उनका रास्ता बिल्कुल साफ है। अब दोस्तों जो बचते हैं दोस्त, जिनका टारगेट सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड ही है और उनका लक्ष्य भी यही है कि सर जॉब तो फॉरेस्ट गार्ड में ही जाके करनी है, चाहे जो हो जाए। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग समझिएगा कि पिछले समय में हमने कुछ ट्यूटर कैंपेन किया था फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के, एक अकेला माई विगेस्ट क्लासेस चैनल था जिसने ये आवाज़ उठाई थी कि फॉरेस्ट गार्ड का ट्यूटर चलाते हैं, ठीक है। साथ किसी चैनल वाले ने नहीं दिया, चैनल वाले साथ क्यों देते जब आप लोगों ने ही साथ नहीं दिया था। 6 लाख में से अगर 1 लाख लोग भी साथ आ जाते तो दोस्तों 1 लाख और 10 की मल्टीप्लाई, हमने कहा था कि लगभग 10 ट्यूट तो एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से कराई गई, तो 10 लाख ट्यूट हम करा देते। यूपीएसआई के अभी हाल ही में ट्यूट हुए हैं परसों, 1 मिलियन ट्यूट उन्होंने कर दिए और अगले ही दिन जवाब आ गया कि भैया यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसने अपना जवाब स्पष्ट कर दिया। तो कारण यही है दोस्तों कि हमारे पास जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए ना तो हम धरने से कुछ उखाड़ सकते हैं और ना ट्यूटर पे जाके कुछ कर सकते हैं। तो क्या करें सर, खाली बैठ जाएं, हाथ पे हाथ रखें, नहीं खाली नहीं बैठना है, आगे की क्या रणनीति है उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अभी कल से आप लोगों को बताया था, लाइव क्लास में भी बताया था कि भाई आज 16 तारीख है और 16 तारीख से आप लोग ट्यूटर पे थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहिए, मतलब ट्यूट तो करते ही रहिए, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो ट्यूट करते रहिए। लेकिन काफ़ी कम दोस्तों ने सुबह से अब तक ट्यूट किए, ये वीडियो लगभग 2 से 2:30 बजे तैयार हो रहा है, तो लगभग मुश्किल से 500-600 लड़कों ने ही ट्यूट करे, जिसमें कि 100-200 लड़कों ने ही ट्यूट करे होंगे और बाकी तो रीट्वीट ही ज़्यादा किए गए। आप लोग दोस्तों अपनी तरफ से देखिए, खाली बैठने का कोई मतलब नहीं है हमारा, खाली बैठने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम हाथ पैर नहीं मारेंगे, अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेंगे तो आयोग तो पहले से ही सुस्त है, उसको तो एग्जाम कराना ही नहीं है, है ना। यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम पेपर सब ओके है, बना हुआ तैयार है बिल्कुल, ठीक है। ये नया पेपर नहीं छपवाएंगे, उसी पुराने पेपर पे आप लोगों का एग्जाम लेने वाले हैं, ये वाली बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रखनी है। अभी इनको क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे जाके बात करनी है कि भैया हमारा इस डेट में एग्जाम होना है और ये सेंटर हमारे फाइनल होने हैं, बस 1 या 2 दिन का काम है और अगले दिन एडमिट कार्ड जारी करके बता दें कि भैया आप लोगों के इस दिन से एडमिट कार्ड आएंगे, इस दिन आपकी परीक्षा होगी। इतना सा ही काम दोस्तों इनको करना है, इनको ना तो पेपर छपवाने की जरूरत है, कुछ कराने की जरूरत नहीं, पेपर ऑलरेडी अप्रैल में इन्होंने छपवा के रख लिया है, उसी पेपर पे दोस्तों ये परीक्षा लेने वाले हैं, ये बात आप बिल्कुल मान के चलिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये करा क्यों नहीं रहे, तो करा इसलिए नहीं रहे क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड जैसे एग्जाम को लेकर के कौन सीरियस होगा, है ना। मतलब सब लोग तो अपने अपने काम में लगे हैं, लोगों को अपने यूपी पुलिस में नौकरियां दे दी, है ना, टीचर वाली भर्ती में नौकरियां दे दी, उधर नौकरी दे दी, जेल वार्डर कंप्लीट कर दिया, तो अभी तो सारे बच्चों को हम नौकरी दे चुके हैं, तो फॉरेस्ट गार्ड कौन सा एग्जाम होता है। जेई वालों ने ठीक ठाक तरीके से अपना धरना किया, दबाव बनाया तो उनको डेट मिल गई, है ना। अब आप दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे मतलब की बात नहीं कि आप सोच रहे हो कि सर का कोई फायदा होने वाला है यहां पर,
आप लोग अपनी तरफ से ट्यूट तो कर ही सकते हो ना, कोई फ्री का काम है बिल्कुल भाई साहब। मोबाइल में ट्यूटर डाउनलोड करिए, ट्यूट करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खुद करिए, दो चार से और से कराइए, इतना काम तो आप लोग कर सकते हैं ना। काफी चैनल वाले अभी हमारे साथ आए, देव जी की ट्रिक वाले सर भी आए, यूपी ट्रिपल एसी जॉब करके एक चैनल है, पुनीत सर कहते हैं उनको, तो उन लोगों ने भी हमें काफी कहा कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। हालांकि हम इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाना चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके देख लिए हैं और आप लोग साथ देने को तैयार भैया बिल्कुल है नहीं, ठीक है ना। आप लोग भी अपना एफर्ट लगाते रहें तो हम दोस्तों आप लोगों को पीछे से पुशअप करते रहेंगे तो कुछ रिजल्ट निकल सकता है। अब कोई व्यक्ति तैयार ही नहीं है, कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो ये बताओ कि हम अकेले क्या करें, है ना। हमारा थोड़ा ही ना एग्जाम होना है कि हमको इसमें जॉब लेनी कि सर आप इस वजह से बिलवे ला रहे हैं, हम तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। हम आप लोगों के लिए भैया मेहनत कर रहे हैं, भैया आप लोगों की एग्जाम डेट आएगी, हमको पढ़ाने में मजा आएगा, हमारे व्यूज अच्छे आएंगे, दो चार रुपए हम भी कमा लेंगे, यही तो मतलब है ना। इसके अलावा तो कोई मतलब नहीं भैया, चैनल हमारा थोड़ा ग्रो हो जाएगा, सीधा सीधा मतलब दोस्तों ये है। और बहुत सारे दोस्त हैं उल्टे सीधे कमेंट्स भी करके भाग जाते हैं, अरे तू तो अपनी चैनल को चमका रहा है, पैसे खींच रहा है ना। तो हम आपको बता दें पैसे वैसे उतने नहीं आते हैं हमारे चैनल पे, एक तो व्यूज ही बहुत कम आते हैं, है ना, तीन चार महीने में $100 होते हैं, तो जाके 7-8 हज़ार रुपये तीसरे चौथे महीने हमको मिलते हैं, इतनी कमाई है हमको यूट्यूब से। तो ये आप उल्टे सीधे विचार अपने दिमाग में ना लेके आएँ, आप विचार लेके आना है आपको, तो आप यूपी ट्रिपल एसी फॉरेस्ट गार्ड, ये आपका हैशटैग है, #UPSSC है ना, -forestguard-exam-date, इसको दोस्तों आप ट्रेन करिए, ट्वीट करिए, कराइए, है ना। और ये प्रक्रिया लगभग 20 तारीख तक करिएगा। हालांकि कुछ दोस्तों के मैसेज आए हैं कि सर 20 दिसंबर को लखनऊ में कुछ बहुत टाइप के लोग जा रहे हैं, क्या हम भी इनके साथ चले जाएं? तो इस पे दोस्तों अंतिम निर्णय अभी नहीं हो पाया, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं, है ना, सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद ही इस वाले टॉपिक पे कोई निर्णय लेंगे। ये धरना टाइप से कुछ नहीं रहने वाला है। आप सोचेंगे कि सर 8 तारीख वाला तो आपने पोस्टपोन कर दिया था, फिर इस धरने के लिए क्यों करें, ये कोई धरना नहीं है, ठीक है ना, ये कोई धरना नहीं है। यहाँ पे जाएंगे तो 20-50 लोग जाएंगे और अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे, कुछ और लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो अभी इस टॉपिक को हम इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर का मतलब ये है इस टॉपिक पे अभी अंतिम सहमति नहीं है। पहले तो आप दोस्तों 19 और 20 तारीख तक, आज 16 तारीख है, यूपी ट्रिपल एसी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम डेट को लेकर के ट्वीट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कराइए। देखिए सारी चीज़ें आप लोगों के हाथ में, आप लोग जितना ज़्यादा ट्वीट करेंगे, जितना ज़्यादा दबाव बनाएंगे, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। वरना अगर ये एग्जाम डेट दिसंबर में नहीं आई, जनवरी में पेपर नहीं हो पाया आप लोगों का, तो आप मान के चलिए कि फिर आप अच्छा खासा समय है आपके पास फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने के लिए, फिर आप 1-1.5 साल आराम से तैयारी करिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, 2022-23 में जाके एग्जाम हो जाएगा और तब तक तैयारी भी ठीक ठाक हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा साथ दीजिए, आगे आइए, घर में छुपके मत बैठिए कि पढ़ते रहेंगे, एग्जाम जब होगा तब दे देंगे, ठीक है ना। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको मत आने दीजिए, आप लोग अपनी तरफ से प्रयास करिए। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादातर दोस्तों में बताइए कि भाई साहब एक माई विकेश क्लासेस वाला आदमी है, वो काफ़ी दिनों से चीख रहा है, कम से कम उसका साथ तो आप दे ही सकते हैं, ठीक है। उसके साथ देने की ज़रूरत नहीं, आप हमारा साथ दे सकते हैं, मतलब जो आप फॉरेस्ट गार्ड के उम्मीदवार हैं, ठीक है ना। और बाकी लोगों से भी हम बात कर रहे हैं अपने स्तर से, वो कितने ट्यूट करा पाते हैं, हम कितने करा पाते हैं। हमने सुबह ही आप लोगों के लिए ट्यूट कर दिया था, उसको रिट्वीट भी करते रहिए और अपनी मेहनत में दोस्तों लगे रहिए। प्रयास छोटा हो लेकिन अगर प्रयास लगातार होता रहे तो दोस्तों वो अपने रिजल्ट लेकर के आता है, ये वाली बात आप अच्छे से समझते होंगे। ज़्यादातर चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, शाम को लाइव क्लास में और चीज़ें क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी निर्णय रहेगा आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे, आप शाम को हमारे साथ लाइव क्लास में 8 बजे से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्यूटर आपको करना ही है, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता फिलहाल में नहीं बचा हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।